Assalamu alaikum, prep class. My name is Zubab and I am from class prep. How are you all? Hope you all are fine. This is our 12th lecture, subject English, chapter number 16. And today our topic is preposition. Take out your book, English Primer Textbook Class Prep. This one book. And open your page number 20. Open your page number 20, chapter number 16, preposition. On, in, under. आज हम जिन प्रपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है on, in, under. प्रपोजिशंस बहुत सारी हैं लेकिन आज हम जिन प्रपोजिशन के बारे में रीड करेंगे वो है on, in, and under. As you know, okay, preposition. A preposition is a word like in, on, under, at, about, of, for, to. ये सारी prepositions हैं. A preposition is a word like in, on, under, at, about, of, for, to, etc. For example, they are waiting for the bus. वो बस का इंतजार कर रहे हैं. For इसमें हमारी preposition है. Preposition is the word that shows directions or position. For example, the book is on the table. On हमारी preposition है. प्रपोजिशन उस लफ्ज को कहते हैं जो एक अल्फाज से एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज का ताल्लुक जाहिर करे किसी भी फिक्रे में या किसी ये ताल्लुक किसी सेम जगह का भी हो सकता है. प्रपोजिशन वो अल्फाज लफ्ज होता है जो एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज का ताल्लुक जाहिर करता है. और प्रपोजिशन जो ये इन ऑन अंडर है ये डायरेक्शन हमें बताती हैं, डायरेक्शन शो करती हैं हमें. तो प्रपोजिशंस बहुत सारी हैं लेकिन आज हम जिन प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो इन ऑन अंडर हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रपोजिशन इज द वर्ड दैट शोज डायरेक्शन और पोजिशन. प्रपोजिशन जो है वो हमें डायरेक्शन और पोजिशन शो करती हैं. प्रपोजिशन इन ऑन अंडर आज हम जिन प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो है इन ऑन अंडर. अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर पड़ी हुई है तो उसके लिए हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं. अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है या टेबल के ऊपर रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं. अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं. आज हमारी तीन प्रपोजिशन है इन, ऑन, अंडर. अब यहाँ पे उसने हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं और उसके अकॉर्डिंग उसने प्रपोजिशन का यूज किया. आइए इनको रीड करते हैं. टी एच ई द टी ओ वाई ट्वाई आई एस इज आई एन इन T-H-E, the B-O-X, box. The toy is in the box. ये toy जो है वो box के अंदर है. उसने उसके उसके लिए preposition in use की है. I-N, in. The toy is in the box. खिलौना box के अंदर है. T-H-E, the B-A-L-L, ball. I-S, is U-N-D-E-R, under. T-H-E, the T-A-B-L-E, table. The ball is under the table. जो बॉल है वो टेबल के नीचे है. अंडर का मतलब होता है नीचे. बॉल जो है वो टेबल के नीचे. बॉल अगर टेबल के ऊपर होती तो उसके लिए उसने यूज करना था द बॉल इज ऑन द टेबल. बट बॉल जो है वो टेबल के नीचे है तो उसके लिए प्रपोजिशन हम अंडर यूज करते हैं. द बॉल इज अंडर द टेबल. आर ए डी रेड I-S is hide, H-I-D-I-N-G, hiding, U-N-D-E-R, under, T-H-E, the, C-H-A-I-R, chair. A rat is hiding under the chair. देखें, वो कह रहा है कि rat जो है, वो अपने आप को chair के नीचे छुपा रहा है. A rat is hiding under the chair. इसने यहाँ पे preposition under use किया क्योंकि rat जो है, वो chair के नीचे है. Okay, T-H-E, the, D-O-G, dog, I-S, is, I-N, in, T-H-E, the, K-E-N-N-E-L, kennel. The dog is in the kennel. Kennel ये होता है dog का घर छोटा सा. ये जो बना picture में show हो रहा है ये kennel है. जिसमें जो as you जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुत्ते की रहने की जगह. The dog is in the kennel. Dog जो वो kennel के अंदर है. A B-I-R-D bird I-S is S-I-T-I-N-G sitting O-N-O-N-T-H-E the B-R-A-N-C-H branch.
a bird is sitting on the branch. Branch होती है शाख, इस शाख को बोलते हैं. कह रहा है कि bird is sitting on the branch. अब ये जो bird है वो branch के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके लिए उसने on use किया है. branch के अंदर नहीं है ना, branch के नीचे है, branch के ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम preposition use करते हैं on. T H E the, G L A double S glass, I S is O N on, T H E the, T A B L E table. The glass is on the table. अब देखिए glass table के ऊपर रखा हुआ है तो उसने उसके लिए on use किया. glass अगर table के नीचे होता तो उसके लिए वो use करता. The glass is under the table, but glass table के ऊपर है तो उसके लिए preposition on use हो रही है. The glass is on the table. As I told you के in हम यूज करते हैं, कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी हो तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं, कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है तो उसके लिए हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं. तो इन ऑन अंडर हमारी प्रेपोजिशन है. आपने ये फुल पेज की रीडिंग आपने प्रॉपरली करनी है ताकि आपको इन ऑन अंडर का जो प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो यूज किया है सेंटेंस के अंदर आपको पता चले कि Twice जो है वो बॉक्स के अंदर है तो उसने उसके लिए इन क्यों यूज किया है, क्योंकि कुछ क्योंकि जो ट्वाई है वो बॉक्स के अंदर है इसलिए इसने उसके लिए इन यूज किया है. और जो बॉल है वो बॉल टेबल के नीचे है तो अगर कोई चीज किस चीज के नीचे पड़ी हुई है तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं. अब डॉग जो है वो कैनल के अंदर है तो उसने उसके लिए इन यूज किया है. ग्लास जो है वो टेबल के ऊपर है तो उसने उसके लिए ऑन यूज किया है. आपने इसकी रीडिंग बहुत केयरफुली करनी है. चलिए प्रेपोजिशन इन यूज, अब हम इन प्रेपोजिशन का यूज कर लेते हैं, कैसे हमें इसको यूज करना है. कुछ पिक्चर्स और कुछ सेंटेंसेस ने हमें दिए हैं, चलिए इसको रीड करते हैं और देन उनको फिल करते हैं. आर ई टी रेड, आई एस इज एच आई डी आई एन जी हाइडिंग, डैश टी एच ई द एच ए टी हैट. आर रेड इज हाइडिंग डैश द हैट. अभी देखिए रेड है वो अपने आप को छुपा रहा है किसी चीज के अंदर, तो ये यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे वो हम आपको बाद में बताते हैं. सबसे पहले हम इन सारे सेंटेंस की रीडिंग कर लेते हैं. आ बी आई आर डी बर्ड, आई एस इज एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, डैश टी एच ई द डब्ल्यू डबल एल वॉल, टी एच ई द सी यू पी कप, आई एस इज डैश द टेबल, द सी ए टी कैट, आई एस इज एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, डैश द ट्री. अब इनके अंदर हमने प्रेपोजिशन इन ऑन अंडर जो है वो फिलअप करने हैं. वो हम कैसे करेंगे, इस तरह ये देखें, अ रैट इज हाइडिंग इन द हैट. रैट जो है वो अपने आप को हैट के अंदर छुपा रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द वॉल. बर्ड जो है वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ है, दीवार के अंदर नहीं है, दीवार के ऊपर बैठा हुआ है. दीवार के अंदर तो बैठ भी नहीं सकता तो दीवार के वॉल के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके लिए इसने ऑन यूज किया. अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द वॉल. द कप इज ऑन द टेबल. कप जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना तो उसके लिए उसने ऑन यूज किया. द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री. जो कैट है वो ट्री के नीचे बैठी हुई है, ट्री के ऊपर तो नहीं है बैठी हुई, ट्री के नीचे बैठी है तो उसने उसके लिए यूज की है अंडर. इसी तरह से आपने भी केयरफुली इसकी रीडिंग करनी है और आपको पता होना चाहिए कि इन कहाँ यूज होना है, ऑन कहाँ यूज होगा और अंडर किस लिए यूज करते हैं. कोई चीज किस चीज के नीचे है तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं. जैसे कि द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री. जो कैट जो है वो दरख्त के नीचे बैठी हुई है इसलिए इसने अंडर यूज किया यहाँ पे. चलिए नाउ ओपन योर बुक इंग्लिश प्राइमर वर्ब बुक क्लास प्रेप, दिस वन बुक. ओपन योर पेज नंबर 28. पेज नंबर 28, हाँ, प्रेपोजिशन. अब देखिए यहाँ पे उसने कुछ प्रेपोजिशन हमें दी है. प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज डायरेक्शन ऑफ पोजिशन. जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन वो लफ्ज है जो आपको शो करते हैं डायरेक्शन उसकी या पोजिशन, किस चीज की डायरेक्शन और पोजिशन उसको शो करते हैं कि चीज कहाँ पड़ी है. अब ये देखें, अब ये फोर पिक्चर्स हैं हमारे पास. अब ये बॉल जो है वो चेयर के नीचे है तो उसके लिए उसने अंडर यूज किया है. वास जो है वो बॉक्स के अंदर है तो वो उसने इन यूज किया है. अब ये प्रेपोजिशन लड़की खुद को, लड़की यहाँ पे आया वो उसके लिए उसने बिहाइंड यूज किया है. अब ये एक डॉल है वो
टेबल पे बैठी हुई है तो उसको उसके लिए प्रपोजिशन ऑन यूज की है. तो ये प्रपोजिशन की रीडिंग आपने केयरफुली करनी है. होपफुली आपको प्रपोजिशन की समझ आ गई होगी और आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है. अब ओपन योर पेज नंबर 28 एंड 29. अब इस यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं पेज नंबर 28 पे. आपने इन सेंटेंस को रीड करते हुए ये यहाँ पे प्रपोजिशन पुट करनी है. आपने देखना है यहाँ पे इन आएगा कि ऑन आएगा. कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रपोजिशन इन और ऑन. यहाँ पे इन और ऑन आना है. आपने मामा के पास बैठ के उनकी हेल्प से ये पूरा सेंटेंस रीड करना है और यहाँ पे फिर आपने देखना है कि यहाँ पे इन आएगा कि ऑन आएगा. और आंसर का द प्रपोजिशन यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इन इन सेंटेंस को आपने रीड करना है और इसमें जो आपको प्रपोजिशन लगेगी आपने उसको सर्कल करना है. द कैट इज अंडर द टेबल. बिल्ली जो है वो मेज के नीचे है तो अंडर अंडर हमारी प्रपोजिशन है. आपने इसको सर्कल करना है. तो ये दोनों पेजेस आपने बहुत केयरफुली करने हैं ताकि आपको प्रपोजिशन और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन जो है हम कोई चीज किस चीज के अंदर होती है तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं. कोई चीज किस चीज के ऊपर पड़ी है तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं. अगर कोई चीज किस चीज के नीचे है तो हम उसके लिए अंडर यूज करते हैं. तो आज हमने जो रीडिंग की है वो प्रपोजिशन की है इन ऑन अंडर. तो आपने इसको केयरफुली घर पे रीड करना है और ये दोनों सब पेजेस जो 28 और 29 है ये आपका होमवर्क है. और आपने सॉरी पेजेस 28 और 29 नहीं, पेज है 29 एंड 30. यहाँ पे बाय मिस्टेक राइट हुआ. आपने पेज 29 एंड 30 जो है वो आपने केयरफुली इसको राइट करना है. इसका ये आपका होमवर्क है. आपने इसको ध्यान से कंप्लीट करना है. इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल ओपन होंगे मैं आपका ये सारा होमवर्क चेक करूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.